So we'll start with that. Okay, let's start with we'll start the एयर फ्लो फर्स्ट. ठीक है, सबको एटलीस्ट इतनी चीज तो आनी चाहिए यार. ठीक है, कि एयर फ्लो स्टार्ट तो करना आना चाहिए, बाकी की चीजें बाद में आएगी. ठीक है, तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, ओके. सुडो सूड. हम लोग रूट यूजर में लॉग इन कर रहे हैं. ठीक है, तो रूट यूजर में जाने के बाद हम एक अलग डायरेक्टरी में हैं. वी वांट टू गो टू दैट रूट डायरेक्टरी. ओके, ठीक है. यहाँ पे मैं एक बार, हाँ यही पे है, यही पे हमारा रूट. ठीक है, चलो विल गो टू सीडी रूट बैक स्लैश एयर फ्लो. ठीक है, एयर फ्लो में आ गए हम लोग. अभी हम लोग करेंगे एयर फ्लो डीबी. यहाँ पे एयरफ्लो डीबी यूनिट क्यों कर रही है बताओ? क्योंकि यहाँ पे हमारी फाइल्स है, राइट? एयरफ्लो डॉट डीबी, ये फाइल यहाँ पे है. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आके हम लोग कर रहे हैं. ठीक है, आई थिंक बाहर से भी होता है, आई डोंट नो, लेकिन दिस इज अ गुड प्रैक्टिस टू हैव टू अवॉइड कंफ्यूजन. ओके, एयरफ्लो डीबी यूनिट. क्या दिखा रहा है डेटा? हाँ, सिक्वल लाइट, एसक्यू लाइट करके डेटाबेस है. एसक्यू लाइट इंपस है, एसक्यू लाइट करके डेटाबेस है, ये डिफॉल्ट डेटाबेस है. और इनिशियलाइजेशन डन. ठीक है, यहाँ पे इफ यू सी एसक्यू लाइट नाम का डेटाबेस है आपको. ठीक है, बट इन जनरल इन इंडस्ट्री नो we configure our own database. In my case, we have MySQL database, which takes care for our Airflow as Airflow DB as well as for our batch tracker. Batch tracker क्या है मैं बाद में बताऊंगा. ठीक है, तो यहाँ पे Airflow scheduler. ठीक है, स्टॉप न्यू विंडो डब्ल्यू एस एल. ठीक है, लीडिंग. ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे अभी? एयर फ्लो वेब सर्वर आईफोन आईफोन पोर्ट एट जीरो एट वन जीरो वन किल किया था ना मैंने. यस सर, यही था। हाँ, नहीं, 8081 मैंने कल का टास्क किल किया है, नहीं है ये सोच रहा था मैं. ठीक है, चलो हो गया है. गो टू आर ब्राउजर. यार आपको पता है क्या ये ऊपर की फ्लोटिंग विंडो ये कैसे करते हैं, ऑफ कैसे करते हैं? जो जूम की विंडो आती है, मुझे ब्राउजर के ऊपर की चीजें दिखती नहीं है. ठीक सर है, वो मैं डिसेबल करने का तो नहीं पता, लेकिन उसको ड्रैग कर सकते इधर उधर अपने हिसाब से। ओके ओके, ठीक सर, थैंक यू. ठीक है सर, लोकल होस्ट. ठीक है, चलो ये होते रहेगा. अभी आपको ये प्रोसेस तो इतनी तो प्रोसेस समझ में आ गई कि एटलीस्ट हमारे इंस्टॉलेशन होने के बाद हमारा एयर फ्लो का यूआई कैसे ओपन करना है. ठीक है, तो एटलीस्ट इतनी तो चीजें सीख लो यार, जिन्होंने जिनको भी समझ में नहीं आ रहा है तो इतना तो सीख ही लो. ठीक है, और डैग कौन सी लोकेशन पे लिखना है उतना पता चल गया तो आप आंसर कर दोगे. ठीक है, जिन लोगों को पढ़ना नहीं है उनके लिए बोल रहा हूँ बस. ठीक है,
ओके यहाँ पे देखो सिक्वल लाइट करके आपका डेटाबेस है मेटा डेटा भी, लेकिन यहाँ पे वार्निंग देखो, डू नॉट यूज सिक्वल लाइट एज मेटा डिपेंड प्रोडक्शन, इट शुड ओनली बी यूज फॉर डेव टेस्टिंग, वी रिकमेंड यूजिंग पोस्टग्रेस और MySQL। दिख रहा है आपको, ये इसका डिफॉल्ट डेटाबेस है सिक्वल लाइट इफ यू डोंट कॉन्फिगर दैट डेटाबेस। ठीक है, अगर आप प्रोडक्शन में या फिर इंडस्ट्री में, हम तो टेस्ट डेव के लिए भी MySQL DB ही कॉन्फिगर है हमारा। ठीक है, ये क्या है सिक्वेंशियल एग्जीक्यूटर, मैं बताऊंगा आपको बाद में। ठीक है, सो विल स्टार्ट विथ थियरी। मुझे पता है आपको बोरिंग लगती है थियरी, लेकिन कभी तो करना ही है। ठीक है, सो विल स्टार्ट विथ दैट। कल तक, कल हमने वर्क फ्लो इंजिन के बारे में देख लिया था, तो स्टार्ट विथ बेसिक एयर फ्लो कॉन्सेप्ट। आपको अब तक तो पता ही चल गया होगा वॉट आर दिस। सो फर्स्ट इज डायग्राम। ओके, एम आई ऑडिबल गाइज क्लियरली? यस सर, कोई दिक्कत नहीं है ना? यस सर, नो नो सर, बिल्कुल। ठीक, चलो। तो फर्स्ट इज डायग्राम। ओके, व्हाट इज डायग्राम, कैन एनीवन एक्सप्लेन? कल मैंने जब डायग आपको दिखाया, तब मैंने टर्म्स तो यूज की होगी, डायग्राम, टास्क इंस्टेंस, टास्क। कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट इज डायग्राम? मैं जाता हूँ एयरफ्लो यूआई पे, आई गो टू दैट टास्क। उसका नाम ना अलग अलग रखना चाहिए था हमें। यहाँ पे है एग्जाम्पल टास्क, एग्जाम्पल डायग। ओके, ये यूआई लोड होने में सबको दिक्कत आती है क्या? एयर फ्लो का यस सर, यस आती सर, है ना? सर कोई दिक्कत है आ रही है? हाँ, तो कैन एनीवन एक्सप्लेन मी दिस थिंग, व्हाट व्हाट वुड बी डायग्राम हियर इन ग्रिड व्यू? मैंने यूज किया ये टर्म या नहीं? नहीं किया होगा तो आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू आंसर दिस, जस्ट बता दो नहीं किया है। ठीक है, नहीं किया होगा मतलब आप हाँ नहीं बोल रहे हो, मतलब मैं ना करूं। तो आपका ईच इन ईच एग्जीक्यूशन, राइट, व्हेन यू हैव रिटर्न अ स्टार्ट डेट एज फर्स्ट, तो एक तारीख के लिए एक बार जो एग्जीक्यूट हो रहा है ना, दैट इज इट्स डायग्राम। एक तारीख का, दो तारीख का डायग्राम है, तीन तारीख का, चार तारीख का, दीज आर योर डायग्राम्स। ठीक है, द होल डैग इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड एट दैट शेड्यूल्ड टाइम। ठीक है, सो दिस इज वॉट यू कॉल अ डायग्राम। ठीक है, एंड द नेक्स्ट पॉइंट वुड बी योर टास्क। यू नो दिस थिंग, एटलीस्ट यू नो टास्क। कल हमने तीन टास्क बनाए थे। ठीक है, कौन से टास्क बनाए थे, कौन सा ऑपरेटर यूज किया था हमने कल? बैश ऑपरेटर, बैश बैश ऑपरेटर ऑपरेटर यूज किया था, बैश ऑपरेटर, जस्ट टू प्रिंट कि हमारा टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज टास्क? इट इज जस्ट अ यूनिट ऑफ वर्क विच इज डिफाइंड यूजिंग ऑपरेटर्स। ठीक है, विच डज आर डेटा प्रोसेसिंग वर्क। सिंपल, सिंपल टू डिफाइन, राइट? सिंपल है ना डिफाइन करने में, एक यूनिट ऑफ वर्क है, या फिर एक वी डिफाइन टास्क यूजिंग ऑपरेटर्स विच डज आर डेटा प्रोसेसिंग वर्क, करेक्ट? तो टास्क मतलब ये वाली चीज। ठीक है, अगर कोड में जाऊं मैं, तो ये जो हमने बैश ऑपरेटर टास्क वन, तो ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं इसमें जो भी चीज है, तो ये है टास्क। ठीक है, सो दिस इज द यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, एक डैग में अगर कोई काम कर रहा है, वो टास्क कर रहा है काम, ईच टास्क। ठीक है, सो द नेक्स्ट पॉइंट वुड बी आर टास्क इंस्टेंस। अभी टास्क इंस्टेंस मतलब क्या है? डैग रन तो देख लिया हमने, एंड इंडिविजुअल रन ऑफ अ सिंगल टास्क। ठीक है, एंड टास्क इंस्टेंसेस ऑल्सो हैव अ इंडिकेटिव स्टेट, आई आई विल शो यू दिस। आपने देखा ये वाले, मैंने बोले ये है आपके डायग्राम, बट ईच डायग्राम हैज इट्स एसोसिएटेड टास्क इंस्टेंसेस इफ यू सी। सो फॉर दिस फर्स्ट वन, तो ये है आपका डायग्राम, बट फॉर एवरी टास्क यू आर एबल टू सी दिस इंस्टेंसेस, राइट? सो दिस इज द टास्क इंस्टेंस फॉर टास्क वन, दिस इज द टास्क इंस्टेंस फॉर टास्क टू, दिस इज द टास्क इंस्टेंस फॉर टास्क थ्री। और ये कलर है ना, ग्रीन है मतलब सक्सेस है। सो फॉर ईच इंडिविजुअल टास्क, इट्स टास्क इंस्टेंस ऑल्सो शोज इस इंडिकेटिव स्टेट। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड वॉट आई एम ट्राइंग टू से? यस मेकिंग सेंस? यस यस सर, यस सर, यस यस। सर, हाँ ठीक है, चलो। तो यहाँ पे हमने कोई स्किप नहीं किया, सारे सक्सेस है, इसीलिए सारे ग्रीन दिख रहे हैं। ठीक है, अगर समझो हमने डिपेंडेंसी ऐसी लिखी है टास्क वन के बाद,
we are checking whether the task one fails or not. If it fails, we'll be executing task two. If it gets successful, then we'll be executing task three, right? So ये कैसे अचीव करते हैं, आई विल टेल यू. ठीक है, देर इज अ ऑपरेटर इन एयरफ्लो, ब्रांच पाइथन ऑपरेटर. अगर कहीं पे लिखना है ना तो लिख लो ये चीज है. ठीक है, आई माइट मिस इट इन लेटर पॉइंट ऑफ टाइम, कि क्योंकि इतने सारे ऑपरेटर है, इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू कवर ऑल दोज ऑपरेटर. इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कवर एटलीस्ट 10-15 ऑपरेटर्स. ठीक है, तो मैं मोस्ट ऑफ दी आपको लिस्ट तो दे दूंगा, लेकिन इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, तो मैं ऐसे कोई एग्जाम्पल में आपको बता दिया करूंगा कि वॉट इज ब्रांच पाइथन ऑपरेटर. ठीक है, तो वॉट ब्रांच पाइथन, तो मैंने जो अभी सिनारियो बताया कि टास्क वन के रिजल्ट के हिसाब से आई वॉन्ट टू डिफाइन वेदर टू एग्जीक्यूट टास्क टू और टास्क थ्री. ठीक है, तो उस डैग के लिए समझो, अगर मैं डैग रन करता हूँ, टास्क वन ग्रीन आता है, समझो इंडिकेटिव टेस्ट, इंडिकेटिव स्टेट ऑफ टास्क वन इज सक्सेस. ठीक है, तो टास्क टू स्किप हो जाएगा, तो उसका जो इंडिकेटिव स्टेट है वो पिंक होता है, स्किप्ड, क्योंकि हम उस केस के लिए टास्क टू एग्जीक्यूट करने वाले थे जब टास्क वन फेल होता, बट टास्क थ्री विल गेट एग्जीक्यूटेड बिकॉज टास्क वन गॉट सक्सेस. समझ रहे हो, एम आई मेकिंग सेंस? यस सर. इज इट टू डिफिकल्ट टू इमेजिन? चलो दिखा देता हूँ. अरे यार, क्या कर रहे हैं? ब्रांच पाइथन आ गया भाई, ब्रांच पाइथन यूज ही नहीं किया. ओके, I'll pop this somewhere. I'll explain this thing. हम लोग execute हर चीज को नहीं करके देखेंगे. ठीक है, don't expect. ठीक है, कि हर चीज को हम लोग execute करके देखेंगे. इसको बाहर रोक. हम डैक्स फोल्डर में नहीं डालेंगे इसको, हमें ब्रोकन डैग वाली चीजें नहीं चाहिए. अरे यार, गिव द नेम. चलो छोड़ दो, ये हम लोग डिलीट कर देंगे इसको. ठीक है, न्यू पाइथन फाइल डेमो. ठीक है, चलो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ. आई विल एक्सप्लेन यू दिस थिंग, ब्रांच पाइथन ऑपरेटर. ओके, सो यहाँ पे देखो,
क्या कर रहे हैं हम लोग, डिसाइड ब्रांच, ठीक है, ये आपका ब्रांच पाइथन का लॉजिक है, ठीक है। इफ करंट टाइम आर समझो 12 से पहले है तो ये मॉर्निंग टास्क एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज आफ्टरनून टास्क एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, सिंपल। तो हमारा स्टार्टिंग टास्क एक डमी टास्क है, सो डमी ऑपरेटर मतलब ये कुछ नहीं करता है, टू बी ऑनेस्ट। हम लोग सिर्फ एक डिपेंडेंसी के लिए एक डमी टास्क लिख रहे हैं, सो दैट वी कैन स्टार्ट विथ समथिंग इन योर टास्क, ठीक है। तो ये डमी ऑपरेटर मतलब इट डज नथिंग, तो आप इम्पोर्ट करके डमी टास्क क्रिएट कर सकते हो। वी डोंट यूज टू ऑर्केस्ट्रेट समथिंग, ठीक है, लेकिन कुछ अगर वैलिडेशंस करने हैं उसमें कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। मैंने तो कभी यूज नहीं किया मेरे इसमें, लेकिन दे हैव गिवन दिस टाइप ऑफ थिंग, ठीक है। तो सो दिस विल बी योर फर्स्ट टास्क, स्टार्ट टास्क, एंड दिस विल बी योर ब्रांचिंग टास्क, ओके, वेयर यू विल बी यूजिंग ब्रांच पाइथन ऑपरेटर, यू आर गिविंग अ टास्क आईडी एंड यू आर कॉलिंग दिस फंक्शन डिसाइड ब्रांच। तो मैंने अब तक आपको पाइथन ऑपरेटर नहीं बताया, राइट? तो दिस इज लाइक अ पाइथन ऑपरेटर ओनली, वेयर यू आर जस्ट कॉलिंग अ फंक्शन विच इज डिटरमाइनिंग योर डिपेंडेंसी, ओके। तो वो इंटरनली वो एक्सकॉम पुल और एक्सकॉम पुश से ये क्या चीजें मैं आगे बताऊंगा, तो वो आगे के टास्क को ये चीजें पास करता है, ठीक है। तो अभी के लिए आपको समझना इतना ही है कि ये मैंने एक फंक्शन लिखा है विच इज डिफाइनिंग, विच इज रिटर्निंग मी सर्टन थिंग बेस्ड ऑन सर्टन कंडीशन, ठीक है। अगर करंट टाइम ऑफ द आर 12 से पहले है तो मॉर्निंग टास्क एग्जीक्यूट करना है, अगर नहीं है तो आफ्टरनून टास्क एग्जीक्यूट करना है। दिस इज आर कंडीशनल लॉजिक, दैट फंक्शन आई एम कॉलिंग दिस इन ब्रांच पाइथन ऑपरेटर, ओके। एंड मॉर्निंग टास्क मतलब एक डमी टास्क है, आफ्टरनून टास्क मतलब डमी टास्क है, तो और एक एंड टास्क लिखा है। तो इसकी डिपेंडेंसी कैसे लिखी है, देखो, स्टार्ट टास्क जो डमी टास्क है उसके बाद हमारा ब्रांच टास्क एग्जीक्यूट होगा, डिपेंडिंग ऑन दिस ब्रांच टास्क रिजल्ट इन पैरेलल वी हैव प्रोवाइडेड मॉर्निंग टास्क और आफ्टरनून टास्क, ठीक है, और उसके बाद होगा एंड टास्क। ये समझ में आ रहा है आपको चीज, सीक्वेंस, हाउ डज ब्रांच पाइथन ऑपरेटर विल वर्क इन दिस केस? कितने लोगों को समझ में आया, एक बार हैंड रेस कर दो, अदरवाइज मैं फिर से समझा दूंगा। क्वेश्चन पूछ लूं मैं, क्या समझ में आया? आदित्य, आदित्य मोरे, मुझे, अच्छा आपने हैंड डाउन कर लिए, क्यों ऐसे कर रहे हो यार? अमोल जादव, मुझे समझा सकते हो मैंने क्या बोला अभी? अमोल, एम आई ऑडिबल? हेलो, यस यस सर यस सर क्या हुआ, फिर रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो? अमोल, आर यू देयर? ठीक है, चलो, डोंट वेस्ट माय टाइम। दादा साहब, आप बोलना चाहते हो क्या? बोला है मैंने अभी, बिल्कुल। हाँ यस सर, एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बेसिकली मतलब यहाँ पर सर हमने टास्क डिफाइन किए हैं एंड मतलब कि जो अपना स्कीपिंग का ऑपरेशन है, लाइक मतलब कि जो स्कीपिंग का टैग है वो कैसे डिफाइन होता है अपने यूआई में, वो एक्सप्लेन करने के लिए या फिर वो देखने के लिए हम पाइथन ऑपरेटर का यूज करते हैं। ब्रांच सो पाइथन का, वही, सॉरी, ब्रांच पाइथन ऑपरेटर बोल, हाँ यस, ब्रांच पाइथन ऑपरेटर का। तो यहाँ पर वही किया सर, एंड लास्ट में सिर्फ टास्क एग्जीक्यूट करने में वो जो पैरेलल टास्क है ना सर, लाइक मतलब कि वो जो ब्रैकेट में दिए वो मॉर्निंग टास्क एंड आफ्टरनून टास्क, ये दो है। तो ये स्टार्टिंग के दो टास्क एग्जीक्यूट होने के बाद अगर मॉर्निंग का टाइम रहेगा तो वो मॉर्निंग का एग्जीक्यूट होगा और आफ्टरनून का स्कीप होगा एंड देन एंड टास्क होगा। अगर आफ्टरनून का रहेगा तो वो एग्जीक्यूट होगा, मॉर्निंग का स्कीप होगा और एंड टास्क होगा, लाइक अच्छा, दैट। बिल्कुल
ठीक है, बाकी लोगों को समझ में आया जो अभी दादा साहब ने बताया है? क्लियर है चीजें, उन्होंने क्लियर बताई है, मतलब मैंने क्लियर समझाई है, ठीक है? तो बाकी लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है, आई डोंट, तो ये अभी 2 बार तो समझा लिया हम, ठीक है? बाकी लोग क्या कर रहे हो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ यार, एटलीस्ट आस्क मी टू रिपीट, अदरवाइज टेल मी व्हाट यू हैवंट अंडरस्टैंड। क्या हुआ? शुड आई रिपीट? क्योंकि अभी 28 पे काउंट आ गया, 36 पे गया था। समझने के बाद भूल गए क्या आप लोग? चलो ठीक है, इफ यू वॉन्ट मी टू रिपीट आई एम गिविंग यू 2-3 सेकेंड्स, कोई बोलता है तो मैं रिपीट करूंगा, अदरवाइज आई लूंगा। सर प्लीज रिपीट वंस अगेन बिकॉज माय साइड इज नेटवर्क इज अनस्टेबल दैट्स व्हाई आई एम नॉट हियरिंग प्रॉपरली सी, दिस कैन नॉट बी अ रीजन, दिस कैन नॉट बी अ रीजन, आई एम रियली सॉरी, दिस कैन नॉट बी अ रीजन, आई कैन नॉट वेस्ट अदर्स टाइम फॉर दैट ऑल्सो, दैट राइट, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक सो बी इन अ स्टेबल कनेक्शन, अदरवाइज यू कैन रेफर टू रिकॉर्डिंग, आई एम रियली सॉरी, आई कैंट डू दैट। एनी वन एल्स और कोई रीजन? अगर समझ किसी को नहीं समझ में आया तो देर इज नो शेम इन इट, ओके? तो आपको बोलना पड़ेगा, मैं ही अज्यूम करके कि आपको नहीं समझ में आ रहा है आगे नहीं बताऊंगा, ठीक है? आई विल मूव अहेड, सो आई वाज एक्सप्लेनिंग दिस टास्क इंस्टेंस पॉइंट, राइट? ओके, तो टास्क इंस्टेंस में मैंने बता दिया आपको कि कहाँ थे, भूल गया, तो दीज आर योर टास्क इंस्टेंसेस, ओके? द नेक्स्ट पॉइंट इज डैग, व्हाट इज डैग, हाउ डू यू डिफाइन अ डैग? कैन एनी वन डिफाइन अ डैग इन योर ओन वर्ड्स? ऐसे ही आप डेफिनेशन बना पाओगे, कोई लाइंस पढ़ के या फिर कोई नोट्स पढ़ के आपकी डेफिनेशन याद नहीं रहेंगी, या फिर किसी को याद नहीं रहेगा व्हाट इज डैग, कोई पूछता नहीं है जनरली इंटरव्यू में, बट कैन यू एक्सप्लेन? हाँ बोल, पूछ सकता है यार, क्यों किसी को अगर आपको एकदम सरप्राइज करना है, डिफिकल्ट क्या होता है पता है क्या, इंटरव्यू में जो सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जिसको हमने सोचा भी नहीं कि ये क्वेश्चन पूछने पे हम लोग क्या आंसर करेंगे, वो आपको सबसे ज्यादा ये करता है, सरप्राइज करता है, और उसका आंसर आपके पास नहीं रहता है, सो इट इज गुड टू क्वेश्चन, मतलब गुड टू मेक एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच कॉन्सेप्ट रियली वेल, ठीक है? तो यू शुड बी एबल टू डिफाइन एवरीथिंग, इफ समवन आस्क यू शुड बी एबल टू डिफाइन वॉट इज डैक, ठीक है? तो डैक तो मैंने समझा दिया है, दिस इज सेट ऑफ टास्क विद एक्सप्लिसिट एग्जीक्यूशन ऑर्डर बिगिनिंग एंड एंड, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन एंड डिपेंडेंसीज बींग की वर्ड्स, ठीक है? पता है राइट? इतने बार बोला है मैंने एग्जीक्यूशन एंड डिपेंडेंस, ओके? दीज आर योर की वर्ड्स, हाउ यू वॉन्ट टू यूज इट, इट इज अप टू यू, ठीक है? एंड इट हैज वर्टाइसेस एंड एजेस, मीन्स एरोज लिंकिंग द नोड्स, हैव एन ऑर्डर एंड अ डायरेक्शन एसोसिएटेड विद, ठीक है? टिपिकल वर्ड्स है, कहीं से हम मैंने उठाए होंगे, ठीक है? ईच नोड इन अ डैक करस्पॉन्ड्स टू अ टास्क विच इन टर्न रिप्रेजेंट सम सॉर्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, ये भी हमने काफी रीइम्फोसाइज किया ये पॉइंट को, कि एवरी टास्क इन योर डैक रिप्रेजेंट सम सॉर्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है? वॉट आर डिपेंडेंसीज, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट इज डिपेंडेंसीज, ईच ऑफ द वर्टाइसेस हैज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन सर्टेन नोड्स, ठीक है? सो इफ यू सी दिस डेफिनेशन, सो दीज आर योर डिपेंडेंसीज, शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है? सो ठीक है, चलो सिर्फ शिफ्ट ऑपरेटर से हम लोग डिपेंडेंसी नहीं सेट कर सकते, देर इज वन मोर वे, इसमें हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो और एक मेथड है, ठीक है? सेट अपस्ट्रीम सेट डाउनस्ट्रीम करके मेथड है, ठीक है? तो मैं इसको कमेंट करके रख देता हूँ। इसका सिंटैक्स मतलब इसका ये देख लेना, सेट अपस्ट्रीम
हॉस्पिटल ही है, स्मॉल ही है ना सब, सेटअप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो क्या करना है आपको, मैं यही उठा लेता हूँ, इसी को सेटअप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम बना। डॉट सेटअप स्ट्रीम सेट डाउन स्ट्रीम होगा ये, सॉरी। डाउन स्ट्रीम दिस टास्क, ठीक है। और इसका अगर आपको और डाउन स्ट्रीम देखना है तो यू कैन डू दैट, ठीक है। अभी डायरेक्टली ऑल्सो यू कैन डू अगेन सेट डाउन स्ट्रीम, ट्राई दिस थिंग ऑन योर ओन, ओके, डोंट रिलाय ऑन मी फॉर एवरीथिंग। डाउनस्ट्रीम कोई यूज नहीं करता यार ये, ऐसे सेट डाउनस्ट्रीम इतना कोड लिखेगा ना, शिफ्ट ऑपरेटर इज इजियर वे टू डू इट। ठीक है, ऐसे भी आप डिपेंडेंसी लिख सकते हो, ठीक है। तो आई एम नॉट श्योर, जस्ट वेरीफाई वंस, ओके। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू देर इज वन मोर पॉसिबिलिटी टू राइट इट, ओके। एक बार चेक कर लेना, आई हैवंट वेरीफाइड इट, ठीक है। कहाँ थे हम लोग, हाँ, सो दिस इज अबाउट योर डिपेंडेंसीज, ओके। यू डिफाइन योर डिपेंडेंसीज यूजिंग शिफ्ट ऑपरेटर एंड सेट अप स्ट्रीम सेट डाउन स्ट्रीम मेथड। ठीक है, चलो द नेक्स्ट पॉइंट इज आइटम पोटेंसी। ठीक है, तो ये पॉइंट ना काफी मतलब ये कीवर्ड ना काफी पॉपुलरली यूज होती है डेटा प्रोसेसिंग वर्ल्ड में, आइटम पोटेंसी। इसके बारे में मैंने बताया है, आई एम वेरी मच श्योर व्हाट इज आइटम पोटेंट बिहेवियर मीन्स, बताया है क्या पहले? सारे लोग सो रहे हो क्या आज, क्या हुआ है? बोर हो रहा होगा तो भी थोड़ा तो फोकस करने का ट्राई करो यार। अगर आपको चाहिए नहीं है थियरी तो आई कैन गिव द नोट्स टू यू, यू कैन रीड इट ऑल्सो, ठीक है। इफ इट इज नॉट बींग यूजफुल टू यू, इफ आई एम एक्सप्लेनिंग, तो आई कैन गिव यू द नोट्स, यू कैन रीड इट, चलेगा क्या वैसे? डू यू वॉन्ट मी टू एक्सप्लेन और नॉट, इतना बता देना बस। अगर आपको एक्सप्लेन कीजिए। यस, ठीक है ना, तो थोड़ा रिस्पॉन्ड कीजिए यार, कि ये थियरी आपके लिए जैसे बोरिंग है ना, वो मेरे लिए भी बोरिंग ही है, ठीक है। तो अगर रिस्पॉन्ड नहीं करोगे ना तो आप, मुझे लगेगा आप नींद में हो और मैं भी सो जाऊंगा, ठीक है। तो आइडेंपोटेंसी मतलब मैंने इसके पहले बताया है ना आइडेंपोटेंट बिहेवियर क्या होता है, शायद बताया होगा यार, आई एम वेरी मच श्योर कि मैंने ये वर्ड तो यूज किया है, ठीक है। तो आइडेंपोटेंसी क्या होती है बताएगा कि एक, इफ यू रीड इट हियर ऑल्सो, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑपरेशन सच दैट नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू एग्जीक्यूट देम यू अचीव द सेम रिजल्ट, ठीक है। मतलब आपकी अगर एक पाइपलाइन है, इफ यू आर गिविंग सेम इनपुट ईच टाइम, इट शुड नॉट रिजल्ट इन डिफरेंट इनपुट्स, ठीक है, इट शुड गिव मी सेम आउटपुट, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आइडेंपोटेंट बिहेवियर, मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि टाइम के हिसाब से आपकी एक ऑपरेशन का बिहेवियर चेंज हो जाए। सो इफ यू कैन गिव कंसिस्टेंट रिजल्ट फॉर सेम, कंसिस्टेंट सेम रिजल्ट फॉर सेम इनपुट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, देन यू कैन से योर ऑपरेशन और योर पाइपलाइन इज आइडेंपोटेंट। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सो आपका ऑर्केस्ट्रेशन भी है फॉर अ सेम इनपुट, इट इज रिजल्टिंग इन सेम आउटपुट ईच टाइम यू एग्जीक्यूट, देन योर पाइपलाइन एंड योर ऑर्केस्ट्रेशन इज आइडेंपोटेंट। तो ये कोई इतना पूछता नहीं है, 90% लोगों को तो ये टर्म याद भी नहीं रहती होंगी, लेकिन इट इज गुड टू नो सर्टेन थिंग्स। इफ
समवन इज नॉलेजेबल इन योर टीम एंड ही इज रेफरिंग टू दिस टाइप ऑफ टर्म, तो आपको अगर आप मतलब क्लूलेस हो ना तो मतलब वही है, क्लूलेस नहीं रहना है तो पता कर लो ये चीज है, ठीक है? गुड टू नो, आई लाइक दिस टर्म वेरी मच. सो नेक्स्ट पॉइंट इज यू हैव फोर मेन कॉम्पोनेंट्स टू अपाचे एयरफ्लो. अभी थोड़ा एक्साइटिंग हो जाएगा शायद. तो यू नो यू आर इनिशियलाइजिंग थ्री ऑफ, ठीक है? तो एक तो वेब सर्वर इनिशियलाइज करते हो, दैट इज वन मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ योर अपाचे एयरफ्लो. इट इज जस्ट अ फ्लास्क एप्लीकेशन विच यू कैन ट्रैक द स्टेटस ऑफ योर जॉब एंड रीड द लॉग फ्रॉम रिमोट स्टोर. ये सिंपल, ये जो है आपका, ये है आपका वेब सर्वर, ठीक है? द सेकेंड पॉइंट इज योर शेड्यूलर. शेड्यूलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शेड्यूलिंग योर जॉब. इट इज अ मल्टी थ्रेडेड पाइथन प्रोसेस दैट यूजेस द डैग ऑब्जेक्ट टू डिसाइड व्हाट टास्क नीड टू बी रन व्हेन एंड वेयर, ठीक है? इट इज अ मल्टी थ्रेडेड पाइथन प्रोसेस. आई विल शो यू इन योर लॉग्स ऑल्सो इफ इट हेल्प्स. ये सब प्रोसेस डॉट पी वाई फाइल दिखती है आपको, दिख रही है कहीं? हाँ देखो, यहाँ पे देखो, ये जो इंटरनल फाइल्स है ना, ये सब प्रोसेस डॉट पी वाई, यही आपकी मल्टी थ्रेडेड फाइल है, ठीक है? जो ये जो जो भी हो रहा है ना, ये आपका शेड्यूलर कर रहा है, ठीक है? सब प्रोसेस डॉट पी वाई फाइल, ये हमने कहीं पे प्रिंट किया है कि ये टास्क है नॉन, नहीं राइट? तो ये आपका मेटा डेटा है एयरफ्लो का, ठीक है? एयरफ्लो इज प्रोवाइडिंग ऑल दिस थिंग्स. टास्क इंस्टेंस डॉट पी वाई, ये जो टास्क इंस्टेंस है उसके मेटा डेटा है, तो ये आपको हर बार प्रिंट करके दे देगा, ठीक है? अदरवाइज जब आप लॉग्स देखते हो बाकी के, तो इतने ज्यादा लॉगिंग नहीं दिखती है ना. आप आईडी में कभी करते हो कुछ भी एग्जीक्यूट, तो आपने जो प्रिंट किया है वही चीजें दिखती है इन जनरल आउटपुट में. लेकिन एयरफ्लो में ना उसका इंटरनल लॉगिंग मैकेनिज्म भी है फॉर ईच कॉम्पोनेंट, ठीक है? तो वो दिखता है आपको. सो दो सब प्रोसेस की बात कर रहा था, वही है मल्टी थ्रेडेड पाइथन प्रोसेस, ठीक है? सो द सेकेंड पॉइंट वॉज योर एयरफ्लो शेड्यूलर. यू स्टार्ट द शेड्यूलर, राइट? और थर्ड इज योर एग्जीक्यूटर. तो कोई भी मशीन है, हमने देखा था कि उसमें होता है, क्या होता है उसमें, ड्राइवर और एग्जीक्यूटर, राइट? क्लस्टर में देखा था हमने, या फिर कोई भी अगर स्टैंड अलोन मशीन भी है, ड्राइवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग योर टास्क. बराबर बोल रहा हूँ क्या मैं? यस ड्राइवर इज यस रिस्पॉन्सिबल. यस सर, एग्जीक्यूटिव वाह 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 वाह, सब सो रहे हो, मतलब एग्जीक्यूटर सब होता है। सो रहे नो हो. सर, एग्जीक्यूटर होता है। देखो क्या है यार, मतलब सच में सो रहे हो तुम लोग. मैं बोल रहा हूँ ड्राइवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग योर टास्क. अरे हाँ बोल रहे हो आप, ड्राइवर इज सर ड्राइविंग फॉर द एग्जीक्यूटिव। एग्जैक्टली. ड्राइवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेलीगेशन ऑफ योर टास्क, राइट? एग्जीक्यूटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ योर टास्क, ठीक है? तो ये आपकी स्लिप टेस्ट थी, ठीक है? और आप, मुझे पता चल गया आप सो रहे हो सब लोग, ठीक है? तो एग्जीक्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग योर टास्क, मतलब गेटिंग योर वर्क डन, ठीक है? जो भी टास्क एग्जीक्यूट करने हैं, एग्जीक्यूटर्स आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है? तो इट डिपेंड्स कि कौन सा एग्जीक्यूटर चूज कर रहे हो आप, ठीक है? देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जीक्यूटर दैट वी विल सी, ठीक है? तो उसके हिसाब से वो कैसी इकोसिस्टम में काम करता है वो आपको पता चलेगा. आई कम टू दिस पॉइंट, ओके? एग्जीक्यूटर, बट आपको समझ में आता है राइट व्हाट आर एग्जीक्यूटर्स? आपका अगर स्टैंड अलोन मशीन पे एयरफ्लो रन कर रहे हो, तो अगर आपकी मशीन में समझो चार कोर है, तो वन कोर इज एक्टिंग एज अ ड्राइवर एंड अदर थ्री कोर्स आर एक्टिंग एज योर एग्जीक्यूटर. सो अदर थ्री कोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर टास्क रन, मतलब एग्जीक्यूटिंग टास्क. मेकिंग सेंस? यस सर, ठीक है, यस चलो. सर। फोर्थ पॉइंट इज योर मेटा डेटा डेटाबेस, ओके? सो जो एयरफ्लो डीबी इनिट कर रहे हो, एयरफ्लो डॉट डीबी को इनिशियलाइज कर रहे हो, तो दैट इज यू आर डूइंग फॉर दिस थिंग. तो इट पावर्स हाउ अदर कॉम्पोनेंट्स इंटरैक्ट, इट स्टोर्स द एयरफ्लो स्टेट्स एंड ऑल प्रोसेस इज रीड एंड राइट फ्रॉम हियर. कैन यू एक्सप्लेन मी द सेकेंड पॉइंट, स्टोर्स द एयरफ्लो स्टेट, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? एयरफ्लो स्टेट्स मतलब आपके जो डैग्स रन हो रहे हैं, राइट? तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है, सिंपल है, ये कहीं पे तो स्टोर होना चाहिए यार. ये मुझे कल भी दिख रही है, मतलब कहीं पे तो ये वेब एप्लीकेशन फेच कर रहा है ना ये चीजें, तो इसका टास्क का इंडिकेटिव स्टेट का रिजल्ट क्या है, इसका इस टाइम का रन क्या है, तो ये कोई तो भी डेटाबेस में तो होगा राइट, जो आपका ये वेब पेज फेच कर रहा है ये सारी इंफॉर्मेशन, लाइक योर लॉग्स एंड ऑल ऑल्सो.
ठीक है, जो आपके लॉग्स भी तो कहीं पे स्टोर हो रहे होंगे ना, बैकएंड में कोई मेटाडेटा डेटाबेस तो होगा ना, तो ये सारी चीजें जो भी एयरफ्लो के रिलेटेड चीजें हैं वो आपके मेटाडेटा डेटाबेस में स्टोर होती है, ठीक है, लाइक योर इंडिकेटिव स्टेट्स एंड ऑल, योर डायग्राम्स, एवरीथिंग, ठीक है। चलो, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? सो वी हैव अंडरस्टूड व्हाट आर द फोर मेन कंपोनेंट्स ऑफ एयरफ्लो, राइट? ठीक है, सो डिफाइनिंग टास्क कुछ नहीं है, डिफाइन टास्क है डिफाइन बेस्ड ऑन द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ ऑपरेटर, यू एब्स्ट्रैक्ट द ऑपरेटर्स, राइट, यू प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट हियर इन योर डैग, ठीक है, विच रिप्रेजेंट अ सिंगल आइडम्पोटेंट टास्क, ठीक है। एंड सो दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटर्स, ओके। तो ये आपको ना डिटेल में करना है, मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, थोड़ा फास्ट हो रहा है क्या, मैं बोले जा रहा हूँ और आपको समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है ना? नो बहुत नो सॉरी, ठीक है, चलो ठीक है। टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटर आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है, तो आई विल एक्सप्लेन इन ब्रीफ। इस फर्स्ट इज योर सिक्वेंशियल, सिलेरी छोड़ दो पहले, सिक्वेंशियल एग्जीक्यूटर, ठीक है। तो इफ यू गो टू योर यूआई, राइट, सो इफ यू सी दिस इज द एग्जीक्यूटर दैट वी आर यूजिंग इज अ सिक्वेंशियल एग्जीक्यूटर, सो इट इज सेइंग दैट डू नॉट यूज दिस सिक्वेंशियल एग्जीक्यूटर इन प्रोडक्शन, ठीक है। हम लोग सिक्वेंशियल एग्जीक्यूटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये डिफॉल्ट एग्जीक्यूटर है ऑन योर स्टैंड अलोन मशीन। तो व्हाट इज सिक्वेंशियल एग्जीक्यूटर? वहां पे यार, ओके, तो सिक्वेंशियल एग्जीक्यूटर रन्स वन वन टास्क एट अ टाइम, बोथ वर्कर एंड शेड्यूलर यूज द सेम मशीन। तो क्या होता है, आपका एक ही टास्क एट अ टाइम रन होता है इसमें, ठीक है, सिक्वेंशियल एग्जीक्यूटर, क्योंकि इसके ये मल्टी थ्रेडेड अप्रोच से टास्क एग्जीक्यूशन नहीं करता है, ये सिक्वेंशियली करता है। अगर आपने एक टैग रन किया है तो इट विल नॉट, इफ देर आर टू इंडिपेंडेंट टास्क इन अ पर्टिकुलर टैग सपोज, तो ये क्या करेगा, ये ऐसे नहीं करेगा कि समझो टास्क वन इज डिपेंडेंट ऑन टास्क टू एंड टास्क थ्री, ये दो अलग डिपेंडेंसी है, टास्क वन डिपेंडेंट ऑन टास्क टू एंड टास्क थ्री डिपेंडेंट ऑन टास्क फोर। तो मैं अगर डायग्राम करूं एंड इफ आई हैव अवेलेबल रिसोर्सेस, आइडियली टास्क वन एंड टास्क थ्री शुड स्टार्ट टुगेदर, राइट, एम आई मेकिंग सेंस? वी डोंट हैव डिपेंडेंसी यस बिटवीन सर, टास्क टू एंड टास्क थ्री, राइट, सो आइडियली टास्क वन एंड टास्क थ्री शुड स्टार्ट टुगेदर, बट इट डजेंट इन केस ऑफ सिक्वेंशियल एग्जीक्यूट, ठीक है। तो सिक्वेंशियल में वो एक टास्क एट अ टाइम ही करता है, ठीक है, सो दैट इज द ड्रॉबैक इट हैज। तो ये बेसिक एग्जीक्यूटर है जो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट आता है, एंड नो वन यूजेस इट मेन पाइपलाइन एग्जीक्यूशन, ठीक है। द सेकेंड वन वुड बी अ लोकल एग्जीक्यूटर, ठीक है, सेकेंड पॉइंट। उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे आ रहा हूं मैं। इट इज वेरी मच सिमिलर टू योर सिक्वेंशियल एग्जीक्यूटर, जस्ट दैट इट कैन रन मल्टीपल टास्क एट अ टाइम, नो मेजर डिफरेंस, बट द केस आई हैव एक्सप्लेन, इन दैट केस इफ यू कॉन्फिगर लोकल एग्जीक्यूटर देन टास्क वन एंड टास्क थ्री विल स्टार्ट टूगेदर, मेकिंग सेंस? यस सर, ठीक है, चलो विल गो टू सेलरी देन। सेलरी एग्जीक्यूटर इज मोस्ट प्रोमिनेंटली यूज एग्जीक्यूटर इन इंडस्ट्री ऑल्सो, बिकॉज इट प्रोवाइड यू सॉर्ट ऑफ क्लस्टर बेस्ड इकोसिस्टम, ठीक है। अगर हम लोग वेब पे डालते भी है सिलरी एग्जीक्यूटर का आर्किटेक्चर, ठीक है, चलो सिलरी एग्जीक्यूटर, ठीक है, इमेज दिखाता हूँ हाउ इट वर्क्स। हाँ, योर सैलरी, लेट मी चूज वन थिंग, ओके, ठीक है, इज इट योर स्कूल सैलरी वर्कर, सैलरी वर्कर, नॉट मच दिस थिंग,
हाँ ये हेल्पफुल होगी थोड़ी बहुत, ठीक है। तो ये डायग्राम दिख रही है राइट हैंड साइड में। तो क्या होता है, आप अगर कोई भी सैलरी एग्जीक्यूटर इनेबल करते हो, इट प्रोवाइड्स यू सॉर्ट ऑफ अ क्लस्टर बेस्ड इकोसिस्टम, ओके, वेयर यू हैव वन ड्राइवर, ठीक है, और देर आर डिफरेंट वर्कर, सैलरी एग्जीक्यूटर्स आपके वर्कर की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें ना एक आपको क्यूइंग सर्विस की जरूरत पड़ती है, ठीक है, क्यूइंग सर्विस लाइक रेडिस एंड रैबिट एमक्यू। आई विल गो बैक टू दैट। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस फ्लो? दीज आर डिफरेंट वर्कर्स दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग योर टास्क। एज यू हैव नंबर ऑफ वर्कर्स, सो यू आर इफ यू हैव मल्टीपल इंडिपेंडेंट टास्क दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड पैरेलली, सो यू आर अचीविंग पैरेललिज्म हियर। यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, राइट? मतलब आपका टास्क जल्दी परफॉर्म होगा। आपका ऐसा नहीं होता है कि एक डैग में एक दो ही टास्क होते हैं, ठीक है। थीके? तो आप एक साथ समझो 5-6 डैग रन कर रहे हो विच आर डिपेंडेंट, ठीक है, लेकिन देर आर सर्टेन इंडिपेंडेंट टास्क दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड टुगेदर। तो वो इंटरनली जब उसका रोड मैप बनाता है एग्जीक्यूशन का, इट अंडरस्टैंड्स कि व्हाट आर द डिपेंडेंसीज। इफ देर आर नो डिपेंडेंसीज दैट शुड बी स्टार्टेड टुगेदर एट द स्टार्ट ओनली, ठीक है। तो इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट करके रख दो, बाद में जो डिपेंडेंट टास्क है उसके हिसाब से उसको शेड्यूल करो। तो ये सैलरी एग्जीक्यूटर का बेनिफिट है कि ये एक क्लस्टर बेस्ड इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है विथ मल्टीपल वर्कर्स एंड यू कैन अचीव पैरेललिज्म विथ दिस, ठीक है। इट इज स्केलेबल, ऑफ कोर्स एनी क्लस्टर बेस्ड इकोसिस्टम इज स्केलेबल। यू कैन ऐड नंबर ऑफ वर्कर नोड्स इफ यू फील द रिक्वायरमेंट टू डू सो, ओके। सो बट द मेन थिंग इज इट रिक्वायर्स रेडिस एंड रैपिड एमक्यू। व्हाट आर दीज? दीज आर क्यूइंग सर्विस, ओके। क्यूइंग की स्पेलिंग क्या है? यही है क्या क्यूइंग सर्विस? क्यूइंग सर्विस मतलब क्या है? अगर आपके इसमें बहुत सारे टास्क है, और ऐसा नहीं है कि समझो आपके इसमें 5 वर्कर्स है और देर आर 10 इंडिपेंडेंट टास्क, ठीक है, और उसके बाद उसकी डिपेंडेंसीज है, तो 10 के 10 तो मैं लोड नहीं कर पाऊंगा अभी के अभी। तो व्हाट क्यूइंग सर्विस डज इज, तो वो क्यू करके रखता है 10 टास्क को, पहले 5 को भेजेगा, वो कंप्लीट होने के बाद ये वाले 5 को भेजेगा, उसके बाद वो पहली 5 की डिपेंडेंसीज को भेजेगा, उसके बाद सेकेंड 5 की डिपेंडेंसीज को भेजेगा। दिस इज हाउ यू आर रेडिस एंड रैबिट एमक्यू, दीज आर टू डिफरेंट क्यूइंग सर्विस। यू कैन इनेबल वन ऑफ देम जनरली, आई थिंक सो रैबिट एमक्यू इज मोस्ट प्रोमिनेंटली यूज इन माई केस। आई थिंक रैबिट एमक्यू यूज होता है, मैंने कहीं पे देखा है लॉग में वगैरह, तो रैबिट एमक्यू यूज होता है हमारे केस में। तो ये एक क्यूइंग सर्विस है। यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, राइट? व्हाई डू यू नीड क्यूइंग सर्विस? जो यस रोल सर, आपके क्लस्टर बेस्ड इकोसिस्टम में आपका ड्राइवर कर रहा है, राइट, कि वो शेड्यूल कर रहा है कौन सी चीज पहले भेजना है, कौन सी चीज बाद में भेजना है, ठीक है। तो इस केस में जो टास्क के डिपेंडेंसीज है और उसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है, वो अगर प्रॉपरली डिफाइंड है तो दैट इज नॉट एन इश्यू, वन बाय वन जा सकता है। बट देर विल बी सर्टेन इंडिपेंडेंट टास्क दैट विल गो पैरेलली, तो उस केस में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी पहले जाएगी कौन सी बाद में जाएगी, ठीक है। तो क्यूइंग सर्विस हेल्प्स इन दैट। तो आप ये कॉन्फिगर कर सकते हो आपके एयर फ्लो में। अभी के लिए इसको इतना माइंड मत करो, टू बी ऑनेस्ट, ये इंटरनल मैकेनिज्म्स है, यू शुड नो दिस थिंग्स थेरेटिकली एटलीस्ट, ठीक है। रेडिस एंड रैपिड एमक्यू क्या है एंड व्हाट इज सैलरी एग्जीक्यूटर? आई वुड से कि आप इसके वीडियोस देख लो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटर इन एयर फ्लो, यू विल गेट मोर रोबस्ट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। हमने कुछ चीजें मिस की होगी इसमें, तो आपको वहां पे कवर हो जाएगी, ठीक है। सो वी हैव कवर्ड 3 एग्जीक्यूटर्स टिल नाउ, द फोर्थ वन इज क्यूबरनेटिस। दिस इज वेरी मच यूजलेस फॉर अस, ठीक है, हम लोग नहीं देखेंगे इसको। इफ यू वॉन्ट टू स्टडी इट यू कैन वॉच अ वीडियो, ठीक है। इट इज सिंपल स्केलेबल, प्रोवाइड्स बेनिफिट्स ऑफ बोथ लोकल एंड सिनर, ठीक है। तो कैसे करता है आप एक बार देख लेना, मैंने लिख लिया नाम, लेकिन मैंने भी कभी ऐसे इस पर ध्यान नहीं दिया या फिर पढ़ा नहीं। क्यूबरनेटिस यूज होता होगा बट आई एम नॉट वेरी मच अवेयर ऑफ इट, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेना,
अपनी तरफ से इफ यू वांट टू डू दैट. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट आर ऑपरेटर्स. ये तो बहुत बार कर लिया हमने. दिस आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टैग्स. मतलब जो टास्क है वो ही हम लोग ऑपरेटर से डिफाइन करते हैं. व्हाइल टैग्स डिस्क्राइब हाउ टू रन द वर्क फ्लो, योर ऑपरेटर डिटरमाइंस व्हाट एक्चुअली गेट्स डन बाय अ टास्क. ठीक है, एंड दे कंटेन द लॉजिक ऑफ हाउ डेटा इज प्रोसेस्ड इन पाइपलाइन. करेक्ट, ये सब चीजें रिपीटेटिव है, आई नो दैट. डिस्क्राइब द सिंगल टास्क इन अ वर्क फ्लो. ठीक है, एंड ईच टास्क इन डैग इज डिफाइंड बाय इंस्टेंशिएटिंग एन ऑपरेटर. यू नो दिस कॉन्सेप्ट्स राइट? क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ समथिंग. पाइथन, कौन सा पाइथन बोलते उसको, एडवांस पाइथन ना. एडवांस पाइथन आता है आपको, क्लास, उसका ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस वेरिएबल, क्लास वेरिएबल, और क्या है, स्टैटिक वेरिएबल्स, स्टैटिक मेथड, क्लास मेथड, ये सब पता है क्या आप लोगों को? ये चीजें बहुत यस सर, क्लियर. यस सर, इसकी क्लैरिटी लेके आओ. आप जब इंटरव्यू के लिए अभी तैयारी कर रहे हो ना, तो लोगों को अगर जज करना है आपका पाइथन का नॉलेज, बाद बाकी के पाइथन में थ्योरी क्या ही पूछोगे? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लोग पूछते हैं क्वेश्चन. हम भी अभी इंटरव्यू ले रहे हैं ना, इफ हम तो कुछ भी नहीं पूछते पाइथन पे. जनरली एक बेसिक कोड, बेसिक कोड मतलब जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या, फ्लो कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग एक अच्छे से चेक हो जाती है, और उप्स पे क्वेश्चन पूछते हैं. ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे तो इतना ही पूछते हैं, क्योंकि और कुछ है नहीं ऐसे पाइथन में पूछने के लिए जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक हो. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अच्छे से कर लेना. सो दिस वॉज द पॉइंट. नेक्स्ट वॉज डैग विल मेक श्योर दैट ऑपरेटर्स रन इन अ करेक्ट ऑर्डर अदर देन दोज डिपेंडेंसीज. ऑपरेटर जनरली रन इंडिपेंडेंटली. ठीक है, इफ इनफैक्ट दे मे रन ऑन टू कम्प्लीटली डिफरेंट मशीन. ये अभी ही चीज मैंने समझाई, इफ योर टास्क आर इंडिपेंडेंट इट कैन रन पैरेलली. दिस इज वॉट इट इज ट्राइंग टू से. डिफरेंट मशीन मतलब डिफरेंट वर्कर्स राइट? इन क्लस्टर बेस्ड इकोसिस्टम डिफरेंट वर्कर्स आर यूर डिफरेंट मशीन राइट? कैन यू डिफाइन वॉट इज क्लस्टर? कौन डिफाइन कर सकता है मुझे अभी, मतलब अच्छे से आंसर दे सकता है? आप लोग इंटरव्यू के मोड में आ गए वक्त. कैन यू एक्सप्लेन वॉट इज क्लस्टर एनीवन? क्या हो रहा है, क्लस्टर को डिफाइन नहीं कर पा रहे हो? हाँ बोलो बोलो, जिसको हेलो बोला. चिन्मय, हाँ बोलो. इट्स अ सेट ऑफ मशीन्स कनेक्टेड विथ नेटवर्क. सेट ऑफ मशीन्स कनेक्टेड विद नेटवर्क. ओके ठीक है, सैटिस्फाइंग. एनीवन हेलो. एल्स? यस सर, सो क्लस्टर इज अ सेट ऑफ कंप्यूट मशीन्स एज वेल एज अ ड्राइवर विच कंसिस्ट ऑफ द रिसोर्स मैनेजर एंड ऑल्सो ड्राइवर्स. सो द ड्राइवर विल सॉरी, इट विल डिस्ट्रीब्यूट द वर्क टू द एग्जीक्यूटर्स एंड which will give the output to the driver. So all in all, it is a set of compute machines. ओके, यू आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट हडूप टाइप ऑफ इकोसिस्टम राइट? आई वाज आस्किंग अ जेनेरिक क्लस्टर क्वेश्चन. क्लस्टर मतलब कोई भी मशीन्स पुट टुगेदर एंड दे आर कनेक्टेड वाया नेटवर्क एंड दे कैन बाय विच यू कैन अवेल अ कंबाइंड कंप्यूट पावर. सिंपल, कोई और डिफाइन करना चाहता है? इससे बेटर डेफिनेशन किसी के पास है तो बताओ. सर हेलो. बोलो बोलो. क्लस्टर मीन्स पूल ऑफ कंप्यूटर वर्किंग टुगेदर बट व्यू एज अ सिंगल सिस्टम. यस गुड, दिस इज ऑल्सो गुड. यूज दैट व्यूड एज अ सिंगल सिस्टम विच प्रोवाइड यू कंबाइंड पावर, ऐसा कुछ बताओ. क्योंकि आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करना है क्यों क्यों हम लोग उसको कंबाइन कर रहे हैं राइट? पर्पस तो यही है ना कि कंबाइंड पावर यूटिलाइज करना है उसको. यस ठीक है, और दादा साहब आपको बोलना था ना, हैंड रेज है आपका. नो सर, नो हैंड रेज, हैंड डाउन. और कोई, और किसी के पास कोई और डेफिनेशन है? सर्च करके मत बताना यार, मजा नहीं आता है. आपके दिमाग से जो भी आ रहा है ना वो बताओ. सर. क्लस्टर इज नथिंग बट सेट ऑफ कंप्यूटर्स विच आर कनेक्टेड विच आर कनेक्टेड इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर एंड दे आर पर्टिकुलरली परफॉर्म सिंगल टास्क. और सिंगल टास्क यू कैन नॉट से, इट कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क ऑल्सो राइट? मतलब एट वन टाइम
एवरी कंप्यूटर विद परफॉर्म नो सिंगल। नो ऐसा नहीं है, क्लस्टर तो मल्टीपल एप्लीकेशन भी टुगेदर प्रोसेस कर सकता है, राइट? इफ योर क्लस्टर पावर इज मोर एंड योर टास्क रिक्वायर्स स्मॉल रिसोर्सेज, जो अगर EMR का एग्जांपल ले लो, आपकी क्लस्टर पावर बहुत ज्यादा है एंड तो स्पार्क सबमिट में आप कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट लेके भेजते हो एंड यू हैव एम्प्टी क्लस्टर रिसोर्सेज, तो आप और एक ऐड स्टेप कर सकते हो, राइट? तो उस पे तो मल्टीपल चीजें एग्जीक्यूट हो ही रही है ना, एम आई मेकिंग सेंस? सिंगल टास्क एट अ टाइम आई डोंट थिंक सो वेरी मच लॉजिकल। किसी को समझ में आया कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ? यस यस सर, यस सर, हाँ ना? यस सर, चलो सर हम ऐसा बोल सकते हैं ना, क्लस्टर इज अ ग्रुप ऑफ सर्वर दैट एक्ट लाइक अ वन सिस्टम। हाँ, आपने वही बोला था वैसे, बराबर है, मैंने कहीं नहीं बोला, आपने गलत बोला है। एक्ट्स लाइक अ वन सिस्टम, आई नो दैट, यू आर करेक्ट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। आई आई एम जस्ट ट्राइंग टू इम्प्रूव योर डेफिनेशन, टू जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट कि उससे आपको फायदा क्या मिल रहा है। एक्टिंग एज अ वन सिस्टम मतलब आपको कंबाइंड पावर यूटिलाइज करने को मिल रहा है, राइट? दैट इज योर ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट अ क्लस्टर, नो? यस सर, हाँ, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, कि जस्ट इंक्लूड दैट पार्ट। म्यूट कर लो, अभी डिस्टरबेंस आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट। तो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, ओके चलो, द नेक्स्ट पॉइंट इज योर एक्सटर्नल टास्क सेंसर। पहले ना हम लोग टास्क सेंसर क्या है देख लेते, सेंसर्स क्या है देख लेते। सेंसर क्या है, सेंसर क्या है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटर दैट इज डिजाइंड टू डू एग्जैक्टली वन थिंग, वेट फॉर समथिंग टू अकर। सेंसर आपको पता है, राइट? सेंसर इन जनरल भी पता है ना क्या यस करता है, सर, सेंस करता है कि कोई चीज होने के लिए वेट करता है वो। समझो टेम्परेचर सेंसर है, उसकी एक थ्रीशोल्ड फ्रिक्वेंसी होगी, थ्रीशोल्ड टेम्परेचर होगा, उसके बाद वो पॉजिटिव अफर्मेटिव आउटपुट देता है, समझो ट्रू और फॉल्स, वही है ना, वो लॉजिकल गेट में ही काम करता है, राइट? कि अगर एक टेम्परेचर ब्रीच हो गया तो वो मे बी सर्किट ब्रेक कर देगा, ऐसे टाइप का ही होता है ना, मतलब इट वेट्स फॉर समथिंग टू अकर, बराबर, मेकिंग सेंस? कैन एनीवन यस व्हाट सर, इज सेंसर, व्हाट आर सेंसर्स, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है सेंसर्स की? जैसे कि मैं एक्चुअली सेंसर्स आर लाइक डिवाइसेस व्हिच आर क्रिएटेड बेस्ड ऑन द लॉजिकल गेट्स एंड दे प्रोवाइड द रिस्पांस व्हेन सर्टेन इवेंट्स अकर। एग्जैक्टली इट प्रोवाइड्स अ रिस्पॉन्स व्हेन सर्टेन इवेंट अकर्स, राइट? मीन्स इट वेट्स फॉर दैट इवेंट टू अकर, करेक्ट? टिल द यस टाइम सर, इवेंट अकर, इट इज इन स्टार्ट, मतलब इट इज इन एक्टिव एक्टिव मोड ओनली। तो वही है, सेंसर्स इन एयर फ्लो ऑल्सो इज द सेम थिंग, ठीक है? आप सेंसर जब इनेबल करते हो, सेंसर जब उसका टास्क क्रिएट करते हो सेंसर का, तो आप किसी ना किसी चीज का वेट कर रहे हो टू अकर। तो मैं इसको एग्जाम्पल से बता दूंगा, S3 की सेंसर, एक्सटर्नल टास्क सेंसर, दो मैंने डाले एग्जाम्पल इसमें। इट कैन बी अ टाइम बेस्ड और वेटिंग फॉर अ फाइल और एक्सटर्नल इवेंट, बट ऑल दे डू इज वेट अंटिल समथिंग हैपेंस। यहाँ पे भी लिखा है टाइम बेस्ड भी हो सकता है, कि आप डिफाइन कर रहे हो टाइम कि 2 घंटे के लिए वेट करो। वेटिंग फॉर अ फाइल, जैसे S3 की सेंसर का एग्जाम्पल दे दूंगा मैं, कि वॉट S3 की सेंसर डज, तो वेट्स फॉर अ फाइल व्हेन अ फाइल इज ड्रॉप्ड इन दैट पर्टिकुलर S3 लोकेशन विच यू हैव प्रोवाइडेड टू दैट की सेंसर। तो वो होने के बाद उसको पता चलता है कि फाइल आ गई है, मतलब आई वॉन्ट टू ट्रिगर समथिंग, ठीक है? एंड द नेक्स्ट वन इज एन एक्सटर्नल इवेंट, यू कैन कॉन्फिगर लैम्बडा फंक्शन विच कैन बी हेल्पफुल इन ट्रिगरिंग अ पर्टिकुलर इवेंट, ठीक है? तो लैम्बडा फंक्शन को मॉनिटर करने के लिए भी हम लोग सेंसर ये कर सकते हैं, कॉन्फिगर कर सकते हैं, ठीक है? सो सेंसर इज अ वेरी बेसिक ऑपरेटर विच वेट्स फॉर समथिंग टू अकर, ठीक है? टू गिव एन एग्जाम्पल, लेट्स कंसिडर दिस S3 की सेंसर, ओके? सो दिस इज S3 की सेंसर, एज नेम सजेस्ट, इट चेक्स फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ फाइल्स प्लेस्ड इन S3 बकेट। तो आपको क्या लगता है S3 की सेंसर क्या करता होगा ये? सर एक्चुअली अगर कोई अगर मतलब जॉब वगैरह अपन ने शेड्यूल किया होगा
लाइक अपन ने एक लामड़ा का ये भी किया था डेमोन्स्ट्रेशन, अगर फाइल अपने S3 लोकेशन पे आ जाएगी तो वो सेंस करके जो भी जॉब अपने शेड्यूल किया है वो रन हो जाएगा। एग्जैक्टली, इट सेंसेस द फाइल ड्रॉप इन योर S3 बकेट, ठीक है। अगर आपके एक स्टेजिंग बकेट है, इसके पहले कोई एक पाइपलाइन है, ठीक है, तो वहां से प्रोसेसिंग हो रहा है और यू आर डंपिंग द फाइल इन दैट स्टेजिंग बकेट। नाउ जब ये प्रोसेस होने के बाद, मतलब आई वॉन्ट टू आइडेंटिफाई दैट प्रोसेस एज कंप्लीट, फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोसेस एज कंप्लीट फ्रॉम द फाइल दैट इट पुट्स इन S3, ठीक है। समझो एक एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस है, उसमें वो उसका आउटपुट एक चिन्मय नाम की बकेट में डालता है, चिन्मय में फोल्डर है इनपुट करके, ठीक है, तो उसमें डालता है वो। आई वॉन्ट, मतलब मैं, मुझे क्या सेंस करना है, चिन्मय नाम की बकेट में इनपुट फोल्डर में कोई फाइल ड्रॉप होती है, तो आई वॉन्ट टू ट्रिगर दैट ट्रांसफॉर्मेशन जॉब ना, तो फॉर दैट यूज केस यू कैन कॉन्फिगर S3 की सेंसर, ठीक है। लेकिन इसमें क्या क्या ऑल डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, तो वो क्या होता है मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। जस्ट विल रीड दिस पार्ट, ओके। फर्स्ट द फर्स्ट सेंसर कैन बी सेट टू चेक एवरी सेकेंड्स और अ मिनट्स फॉर अ की। आई विल टेल यू हाउ इट इज डन, पोकिंग इंटरवल एंड टोटल टाइम इंटरवल, ऐसे दो पैरामीटर होते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू दैट। व्हेन अ डैग इज रनिंग, इट विल चेक व्हेन द की इज अवेलेबल और नॉट, ठीक है। डैग रन जब हो रहा है तो वो चेक करता है कि S3 में की आई है या नहीं। की मतलब फाइल, जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज। इफ द की इज अवेलेबल देन द कंट्रोल विल बी पास टू द नेक्स्ट टास्क इन द डैग एंड द फ्लो विल कंटिन्यू। समझ में आ रहा है? जब फाइल आएगी तब नेक्स्ट टास्क ट्रिगर होगा, ठीक है। एंड इफ द की इज नॉट अवेलेबल इट विल फेल और रिट्राई डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्फिग्रेशन। फेल और रिट्राई क्यों? क्योंकि आपने एक मैक्सिमम लिमिट दी है कि भाई दिन भर मत करिए इतना सेंस, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है, मेरा शेड्यूल है, मेरे सर्विस लेवल एग्रीमेंट में लिखा है मेरे कि एक्सट्रैक्शन से क्लाइंट मुझे मेरे लोकेशन पे फाइल देगा रोज सुबह 11 बजे, तो मैं ऐसा की सेंसर कॉन्फिगर करूंगा जो 11 बजे से एटलीस्ट 11:30 बजे तक सेंस कर ले। दिन भर क्यों सेंस करना है ना, यू हैव दैट SLA, ठीक है। अगर वो 11:30 बजे तक आती नहीं है तो जनरली हम लोग मैनुअल ट्रिगर करते हैं, ठीक है। तो SLA ब्रीच हो जाता है समझो, तो मैनुअल ट्रिगर करते हैं। SLA एक कीवर्ड है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। आप लोगों को पता होगा सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्या होता है, क्या होता होगा सर्विस लेवल एग्रीमेंट? यू शुड नो दिस थिंग। सर्विस लेवल एग्रीमेंट पता है? सर्विस लेवल एग्रीमेंट कुछ नहीं है, आप एक किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो उसकी स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड क्या बोल सकते हो, उसकी टाइमली डिलीवरी इंश्योर करने के लिए कुछ क्लॉजेस लिखे होते हैं, ठीक है, कि मैं आपको मेरा काम सबलेट कर रहा हूँ या फिर आउटसोर्स कर रहा हूँ, तो आप मुझे एक पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ सर्विस दो विच कैन बी टाइम बेस्ड एंड क्वालिटी बेस्ड, ठीक है। तो जनरली टाइम बेस्ड चीजों में एक होगा कि समझो एक फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी है, उनको अपनी रिपोर्ट जनरेशन 2 बजे करनी है दोपहर में, एंड दे आर प्रोवाइडिंग डेटा एट मॉर्निंग 9 o'clock, ठीक है। तो ये उनका SLA का टाइमिंग होगा, वो 1 बजे रख देंगे, ठीक है, क्योंकि 2 बजे उनको रिपोर्ट चाहिए, तो उनको भी तो प्रोसेसिंग के लिए टाइम चाहिए। अगर 1 बजे से पहले अगर मैं कंपनी रन कर रहा हूँ एंड आई एम नॉट एबल टू डिलीवर, ठीक है, टिल 1 o'clock, इट विल इम्पैक्ट देयर नेक्स्ट प्रोसेसेस लाइक रिपोर्ट जनरेशन एंड फर्दर थिंग्स। तो उसको हम लोग 1 बजे का डिफाइन टाइम इन योर SLA को SLA ब्रिज बोलेंगे, क्योंकि हमने कमिट किया था कि मैं रोज आपको आपका डेटा जो भी रिपोर्ट्स के लिए लगता है तो मैं 1 बजे तक दूंगा। लेकिन कुछ दिन कुछ इश्यू आ गए, समझो सर्वर पे क्लस्टर पे कुछ ना कुछ हो गया एंड आई एम नॉट एबल टू डिलीवर दैट, दैट यू कॉल SLA ब्रिज, ठीक है। तो देख लो, एक ऐसी चीजें थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो, कहीं से सुन रहे हो किसी से बात कर रहे हो तो जस्ट सर्च इट, ठीक है। टू इनेबल S3 की सेंसर एयर फ्लो विल नीड टू हैव अ एक्सेस टू S3, दैट मींस इनेबल, हाँ S3 कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैं बताता हूँ इसकी इसके बारे में, चलो S3 की सेंसर देख ही लेते हैं। चलो मैंने ये डाला है एग्जाम्पल डायग्राम, ठीक है। तो एयर फ्लो ऑपरेटर्स डॉट सेंसर्स में आपको सेंसर मिलेगी, ठीक है।
एयर फ्लो ऑपरेटर से आप ऑपरेटर इंपोर्ट कर रहे हो, उसके अंदर एक और ये है सेंसर डॉट सेंसर्स, तो इंपोर्ट S3 की सेंसर, ठीक है, वहां से कर सकते हो। यू विल डिफाइन योर बकेट नेम, बकेट लोकेशन, सो दिस विल बी योर बकेट नेम एंड दिस विल बी योर प्रीफिक्स, ठीक है। ओके, एंड यू विल डिफाइन योर की सेंसर इन दिस वे, S3 की सेंसर, एंड यहाँ पे देखो पैरामीटर्स देखो, तो सेकेंड पैरामीटर देखो, टास्क आईडी तो सब में कॉमन ही है, तो सेकेंड पैरामीटर इज योर पोकिंग इंटरवल। पोकिंग इंटरवल मतलब मैं कितने टाइम फ्रीक्वेंसी के बाद वहां जाके चेक करूँ कि फाइल आई है, तो पोकिंग इंटरवल ऑफ 60 सेकेंड, मतलब समझो मैंने अभी 11 बजे का टाइम शेड्यूल किया है इस डैक को, तो हर 60 सेकेंड में वो जाके वहां पे चेक करता है फाइल आई है या नहीं, ठीक है। तो दैट इज वॉट यू कॉल अ पोकिंग इंटरवल, टाइम इंटरवल ओवर विच सेंसर इवेल्युएट द कंडीशन, ठीक है, द कंडीशन बीइंग वेदर द फाइल हैज कम और नॉट, ठीक है। टाइम आउट, टाइम आउट मतलब इंटरवल ओवर विच सेंसर इज एक्टिव, तो मैंने अब भी बोला कि पूरे टाइम के लिए तो शुरू नहीं रख सकते हो सेंसर को, तो यू आर कॉन्फिगरिंग सच टाइम आउट पैरामीटर, उसके बाद आपका सेंसर बंद हो जाएगा, ठीक है, मतलब आपका डैग भी स्टॉप हो जाएगा, आइदर इट विल फेल और समथिंग लाइक दैट, इट विल बी डिपेंडिंग ऑन योर दिस पैरामीटर आई थिंक सो। आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट दिस सॉफ्ट फेल पैरामीटर, ठीक है। सॉफ्ट फेल मतलब वही है, टाइम आउट के बाद अगर फाइल नहीं आती है तो शायद उसको फेल करता है, जस्ट चेक इट वंस, ओके। आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट दिस। रिट्राइज, यू नो कितने रिट्राइज करने हैं उसको टैग को, यू आर प्रोवाइडिंग दिस थिंग्स लाइक योर बकेट की एंड बकेट नेम, यू आर प्रोवाइडिंग दिस थिंग्स बट यू रिक्वायर अ कनेक्शन ऑल्सो, राइट। AWS को ये एयर फ्लो एक्सेस कैसे करेगा, एक्सेस कैसे करेगा, उसके पास क्रेडेंशियल्स तो होने चाहिए, इट शुड हैव एक्सेस टू दैट, राइट। तो यू विल क्रिएट अ कनेक्शन, AWS कनेक्शन इन एयर फ्लो, आई विल शो यू दिस थिंग, कहाँ पे था हम लोग। हाँ, यहाँ पे अगर आप एडमिन में जाओगे ना, देर इज ऑप्शन फॉर कनेक्शन, ओके, इफ यू क्लिक इट हियर यू कैन क्रिएट डिफरेंट कनेक्शन, तो कुछ डिफॉल्ट कनेक्शन AWS डिफॉल्ट वगैरह क्रिएटेड है, बट यू कैन क्रिएट योर ओन कनेक्शन ऑल्सो। कहाँ गया ये, एड न्यू रिकॉर्ड करके, इफ यू वॉन्ट टू एड अ कनेक्शन यू कैन डू दैट, सो एड कनेक्शन, कनेक्शन आई डी लिख लो अपनी, मतलब जो भी आपको नाम लिखना है, कनेक्शन टाइप, वॉट टाइप ऑफ कनेक्शन इट इज, यहाँ पे आपको ना AWS दिख नहीं रहा होगा, इसके लिए ना आपको ये करना पड़ता है, आई डोंट रिमेम्बर दिस थिंग यार, आपको ना एक पैकेज डालना पड़ता है शायद, आई लेट यू नो टुमारो, ओके, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, तो उसके बाद आपको वो ऑप्शन आ जाएगा AWS का यहाँ पे, ठीक है। तो AWS के ऑप्शन में आपको फिर एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की भी आ जाएगी, ठीक है। तो मैं कल करके बता दूंगा, ठीक है, AWS कनेक्शन, इफ यू हैव टाइम जस्ट एक्सप्लोर इट टूडे ओनली, ठीक है, आपकी तरफ से कर लोगे तो अच्छा ही है। यू कैन एडिट अ कनेक्शन एंड मेक चेंजेस टू योर कनेक्शन एंड ऑल, सो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड वॉट वाई वी विल बी यूजिंग कनेक्शन इन एयर फ्लो गाइस, बोलो यस क्यों, बताओ सर। सो कनेक्शन एक्चुअली राइट S3 का एक्सेस एक्सेस होना चाहिए ना। जेनरिक बोलो, कहाँ पे कनेक्शन यूज करोगे इन जनरल, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू मॉनिटर वेदर द टास्क इज बिन परफॉर्म्ड और इफ यू वॉन्ट टू सी एनी ऑफ द चेंजेस हैज बिन हैपेंड, सो इन दैट केस वी वॉन्ट टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन। ठीक है, चलो सिंपल वर्ड्स में मुझे ये चाहिए था कि अगर एयर फ्लो एनवायरनमेंट के बाहर का कोई एक्सेस चाहिए एंड यू वांट टू एंटर इनटू दैट फंक्शनैलिटी, यू विल रिक्वायर द कनेक्शंस फॉर दैट सर्विस और फॉर दैट एनवायरनमेंट, राइट। एयर फ्लो एक खुद एनवायरनमेंट है, AWS इज अ डिफरेंट एनवायरनमेंट ऑल टुगेदर। इफ यू वॉन्ट टू कनेक्ट टू एयर फ्लो AWS सर्विसेज फ्रॉम योर एयर फ्लो, यू विल रिक्वायर कनेक्शन डिटेल्स ऑफ योर AWS। सिमिलरली देयर कैन बी डिफरेंट एनवायरमेंट और डिफरेंट सर्विसेज दैट यू वॉन्ट टू कनेक्ट टू, यू कैन क्रिएट कनेक्शन फॉर दैट ऑल्सो,
समझ में आया? जैसे इफ यू सी इट हियर, यू हैव सर्टेन कनेक्शन टाइप दैट आर गिवन बाय डिफॉल्ट. लाइक इफ यू वांट टू कनेक्ट टू योर ईमेल, एफटीपी फाइल, जेनेरिक एचटीटीपी, आईएमईपी, ये बहुत सारे हैं, सिक्वल लाइट, मेसोज, ठीक है. तो यू कैन ऐड दिस कनेक्शन टाइप्स हियर ऑल्सो. आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर कैसे ऐड करना है. आई लेट यू नो, ठीक है, कल मैं बता दूंगा आपको ये कनेक्शन टाइप में कैसे आएगा. हाँ, एयर फ्लो प्रोवाइडर पैकेज में आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है. यहाँ पे लिखा है क्या कर रहा हूँ मैं, कनेक्शन टाइप इज मिसिंग, मेक श्योर यू हैव इंस्टॉल्ड द करस्पॉन्डिंग एयर फ्लो प्रोवाइडर पैकेज, ठीक है. तो एयर फ्लो प्रोवाइडर पैकेज कैसे इंस्टॉल करना है मैं बता दूंगा कल आपको, ठीक है. आपकी एयर फ्लो में जाके आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा शायद, ठीक है. जो हम लोग एयर फ्लो फोल्डर है ना हमारा, वहीं पे जाके हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा. आई सर्च इट और एंड आई लेट यू नो. आई डोंट रिमेम्बर दिस थिंग नाउ, बट हमने किया था ऐसे, ठीक है. आपको ये चीजें करनी नहीं पड़ती ऑर्गेनाइजेशन में एज सच, ठीक है, क्योंकि पहले से एनवायरमेंट वगैरह सेट होता है, ठीक है. एंड इट इज नॉट वेरी मच योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेट द एनवायरमेंट एंड ऑल. लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी होता है आपके भी ऊपर आ जाता है. क्योंकि मैंने जब ज्वाइन की थी मेरी कंपनी, हमारे यहाँ पे एयर फ्लो डेव पे कोई काम ही नहीं कर रहा था. डेव एनवायरमेंट पे जस्ट हमारी टीम हायर हो रही है, मतलब हो रही थी तब, क्योंकि दो तीन ही लोग थे टीम में, तो सब लोग टेस्ट पे डायरेक्टली काम कर रहे थे, ठीक है. तो डेव की हालत ऐसी थी कि कुछ भी कॉन्फिगर्ड नहीं था उसमें, कुछ भी नहीं. तो एयर फ्लो रिलेटेड सारी चीजें मैंने कॉन्फिगर करी थी, ठीक है, कनेक्शन एंड ऑल. लेकिन मुझे वहां पे ना कनेक्शन ऐड करने के लिए AWS का कनेक्शन टाइप ऐड नहीं करना पड़ा था. तो आई डोंट रिमेम्बर हाउ टू डू इट, बट इन जनरल आपको कनेक्शन टाइप अगर मिल जाता है तो दिक्कत तो है ही नहीं, नहीं तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा उसका प्रोवाइडर पैकेज. कैसे करना है आई लेट यू नो, ठीक है. कहाँ थे हम लोग वैसे अभी, यहाँ पे. हाँ, तो आपको कनेक्शन आईडी फिर ये डालनी है, आपको एक्सेस की, सीक्रेट एक्सेस की वहां की प्रोवाइड करनी पड़ेगी इन योर कनेक्शन, एंड यू विल यूज दैट कनेक्शन आईडी हियर. मोड इज रीशेड्यूल, आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट दैट ऑल्सो, ठीक है. देखो गाइज, एक चीज बता दो, किसी को कुछ भी नहीं पता होता है, टू बी ऑनेस्ट. इफ यू नो सर्टेन थिंग्स कि दिस टाइप ऑफ की सेंसर एग्जिस्ट, यू कैन सर्च इट ऑन वेब. देर आर गुड सोर्सेज लाइक चैट जीपीटी, तो ठीक है चैट जीपीटी दे देगा आपको, लेकिन आपको स्टैक ओवरफ्लो पे भी बहुत सारी चीजें मिल जाती है, मीडियम पे बहुत सारी चीजें मिल जाती है, गिट रिपोजिटरी में बहुत सारी चीजें मिल जाती है, ठीक है. तो यू शुड बी एबल टू सर्च ऑन इट एंड यू शुड बी एबल टू यूटिलाइज इट इन योर प्रोजेक्ट, ठीक है. तो ये चीजों की प्रैक्टिस करो. आप जो प्रोजेक्ट भी कर रहे हो ना अपना, तो ट्राई टू रेफर टू मैक्सिमम रिसोर्सेज टू मेक योर प्रोजेक्ट बेटर, ठीक है. हर चीज को देख के सीख लेना. और ये सब चीजें मिल जाती है यार. जैसे मैंने कल बोला था आपको एक चीज, हम लोग हर इंटरव्यू में पूछ रहे कि हाउ टू डू द बैक फिलिंग इन एयर फ्लो, ठीक है. बैक फिलिंग मतलब क्या होता है, समझो आपके दो डिपेंडेंट डैग थे, समझो, ठीक है, समझो एक ही डैग है, ठीक है. कैसे बताऊं मैं आपको, हाँ नहीं, एक डैग है, ठीक है. तो क्या किया आपने, आपका एयर फ्लो का सर्वर बंद हो गया, ठीक है. आपका एयर फ्लो सर्वर बंद हो गया, उसका शेड्यूल इंटरवल है ईच 1 आवर, ठीक है. तो अभी क्या हुआ, 12 बजे का एग्जीक्यूशन हो गया और मेरा सर्वर बंद हो गया एयर फ्लो का 12:15 बजे, ठीक है. उसका 1 बजे का एग्जीक्यूशन स्किप हो गया, 2 बजे का, 3 बजे का, 4 बजे का, 5 बजे का. अभी 6 बजे का एग्जीक्यूशन जब आ रहा है, उस टाइम पे एयर फ्लो अप हो गया, ठीक है, 5:30 बजे. तो 6 बजे का वो शेड्यूल पकड़ लेगा, लेकिन मेरे ये 1 से 5 बजे की तो एग्जीक्यूशन ड्रॉप हो गए, राइट. मतलब वो तो स्किप ही हो गए ना. इफ आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट एंड इफ आई वॉन्ट टू डू द कैचअप, तो उसको बोलते हैं हम लोग बैक फिलिंग, ठीक है. ये कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ज्यादा कॉमनली पूछी जाती है, मुझे भी अब तक नहीं पता थी. हम लोग जब इंटरव्यू में, मेरे साथ जो इंटरव्यू लेता है वो पूछने लगा ना, तब मैं मुझे भी तभी पता चला, टू बी ऑनेस्ट. तो बैक फिलिंग में एक आपके ऑपरेटर्स में पैरामीटर होता है कैचअप इक्वल टू ट्रू. तो कैचअप इक्वल टू ट्रू जब करते हो ना, तब आपकी जो भी डैग्स अगर सिस्टेमिक फेल्यूर की वजह से एयर फ्लो एनवायरनमेंट के अगर रुक जाते हैं और उसका शेड्यूल में कुछ स्किप्स हो जाते हैं, तो इट कैचेस अप आफ्टर
योर एनवायरमेंट वेक्स अप, ठीक है। तो ये चीज, ये आई नो कि ये चीज अब भी मैं क्यों बता रहा हूं आपको ऐसे लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा पूछी जा रही है हर, मतलब मैंने भी देखा अभी कि हर इंटरव्यू में वो वही पूछ रहा है, ठीक है। वो एयरफ्लो एक्सपर्ट है हमारा, तो वो हर इंटरव्यू में यही पूछ रहा है। जस्ट आई वॉन्टेड टू मेक श्योर दैट यू गाइज नो अबाउट दिस थिंग, ठीक है। की सेंसर हो गया, चलो सिक्वल सेंसर करके भी एक सेंसर होता है, हैव अ लुक एट इट गाइज, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस नाउ, ओके। तो यहाँ पे आप सिक्वल क्वेरी पास करोगे, यू विल प्रोवाइड अ कनेक्शन टू योर डेटाबेस, किस डेटाबेस पे एग्जीक्यूशन करना है उसका कनेक्शन यहाँ पे है, इन दैट डेटाबेस योर दिस सिक्वल क्वेरी विल गेट एग्जीक्यूटेड, ठीक है। सिंपल है, राइट। तो नेक्स्ट वन इज योर एक्सटर्नल की सेंसर। हम लोग एक दो डैक कल रन करके देखेंगे, आज बोर हो रहा होगा आपको, लेकिन अब हम खत्म ही कर देंगे सेशन, कल हम लोग एक्सटर्नल टास्क सेंसर का डैक वगैरह रन करके देखेंगे, आई विल डेमोन्स्ट्रेट दैट टू यू। कल आपका लेक्चर है क्या स्नोफ्लेक का? यस ओके, ठीक है, फिर मतलब कल परसों हम लोग नहीं ले पाएंगे लेक्चर, मंडे को करना पड़ेगा हमें फिर, ठीक है। एक्सटर्नल टास्क सेंसर, हाँ ये पॉइंट, ये देखो एक्सटर्नल टास्क सेंसर क्या है, एयर फ्लो प्रोवाइड्स अ फीचर कॉल्ड एक्सटर्नल टास्क सेंसर विच चेक्स ऑन द स्टेट ऑफ टास्क इंस्टेंस विच इज इन डिफरेंट डैग, एंड इफ द स्टेट इज सक्सेस देन द डैग विद द एक्सटर्नल सेंसर सिंपली गोज अहेड एंड एग्जीक्यूट्स द टास्क विच कम्स नेक्स्ट। क्या समझ में आया किसी को? मुझे तो इससे कुछ नहीं समझ में आया, तो मैं ये हटा ही देता हूँ यार। समझ में आया क्या कुछ? चेक्स ऑन द स्टेट ऑफ टास्क इंस्टेंस विच इज इन डिफरेंट डैग, ठीक यस सर, है, समझ में आया ना? चलो, मुझे ही नहीं समझ में आया, मैंने ही लिखा था, अभी समझ में आया, डबल पढ़ा मैंने तो। इफ द स्टेट इज सक्सेस देन डैग विद द एक्सटर्नल सेंसर सिंपली गोज अहेड, ठीक है। चलो इसमें क्या है, सिंपल क्या है, समझो दो डैग्स है आपके, ठीक है, और पहला एक पेरेंट डैग है, ठीक है, तो उसमें एक टास्क है, तो इस टास्क के एग्जीक्यूशन रिजल्ट के हिसाब से मुझे दूसरे डैग का कोई टास्क एग्जीक्यूट अगर करना है, समझो समझो एक कोई पाइथन ऑपरेटर से हम लोग कोई फंक्शन ट्रिगर कर रहे हैं, तो उस टास्क का रिजल्ट अगर पॉजिटिव आता है तो ही हमें दूसरा एक डैग है उसमें एक टास्क है उसको ट्रिगर करना है, तो इन दैट केस यू विल यूज एक्सटर्नल टास्क सेंसर टू डेमोन्स्ट्रेट दैट आई हैव दिस टू एग्जाम्पल्स, ओके। चलो दिस इज योर पेरेंट डैग, मैं कॉपी कर लेता हूँ कहीं पे, डिपेंडेंट डैग थोड़ा इजी हो जाएगा वहां पे देखने के लिए आप। ठीक है, तो हाँ ये पेरेंट डैग है आपका, तो पेरेंट डैग में क्या है, आप क्या कर रहे हो, जस्ट एक स्लीप का ये कर रहे हो, स्लीप का फंक्शन है कि टाइम डॉट स्लीप, पता है ना ये फंक्शन आपको, इतने टाइम के लिए वो कुछ नहीं करेगा, आइडल रहता है, ठीक है। इसका डैग क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, एंड टास्क टू वेट फॉर, ठीक है, इस टास्क के लिए आगे वाला जो भी डिपेंडेंट डैग में टास्क है वो वेट करेगा इसके लिए, ठीक है, तो उसका नाम मैंने टास्क टू वेट फॉर लिख लिया। पाइथन ऑपरेटर, सिंपल पाइथन ऑपरेटर में हम लोग सिर्फ फंक्शन को कॉल करते हैं पाइथन कॉलेबल से, ठीक है। एंड इफ यू हैव, हाँ इसमें एक चीज देख लो, इफ यू हैव एनी आर्ग्यूमेंट दैट आर बीइंग पास टू योर पाइथन कॉलेबल मतलब पाइथन फंक्शन, देन देयर इज वन कीवर्ड वन पैरामीटर हियर ओपी अंडरस्कोर ऑर्ग से, शायद ये चेक कर लो ऐसी चीज, ओपी अंडरस्कोर ऑर्ग से शायद, इसको आपको लिस्ट में प्रोवाइड करना पड़ता है, आई एम नॉट वेरी मच श्योर, ठीक है। तो ऐसी चीजें देख लिया करो कि इस पाइथन ऑपरेटर में आर देयर एनी मोर पैरामीटर्स दैट आर देयर, ठीक है, ऐसी चीजें देख लिया करो। आपको क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर मेरा फंक्शन कोई पैरामीटर ले रहा है तो उसको कैसे पास करना है फिर, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए आप। सो दिस इज योर टास्क, ओके। सो ये हो गया हमारा पहला डैग, अभी हम लोग जाएंगे दूसरे डैग पे,
दूसरे डैक में क्या है हमारा, ओके दूसरे डैक में हमने क्या किया है, एक बेसिक एक्सटर्नल टास्क सेंसर बनाया है और उसके बाद एक डिपेंडेंट टास्क बनाया है उस पर, ठीक है। डिपेंडेंट टास्क एक डमी टास्क है। तो एक्सटर्नल टास्क सेंसर क्या करता है, सो वी आर क्रिएटिंग अ टास्क आउट ऑफ योर एक्सटर्नल टास्क सेंसर एंड प्रोवाइडिंग एक्सटर्नल डैग आईडी एज पैरेंट डैग। यू सी यहाँ पे डैग आईडी क्या है, पैरेंट डैग, ठीक है। तो इस डैग को आप एक्सटर्नल टास्क सेंसर से कनेक्ट कर रहे हो एंड यू आर ऑल्सो गिविंग एक्सटर्नल टास्क आईडी। जो आपके पैरेंट डैग में टास्क है, किस पर्टिकुलर टास्क को आपको सेंस करना है, यू आर प्रोवाइडिंग टास्क आईडी फॉर दैट। यू सी इट हियर, टास्क आईडी, ठीक है, ये आपकी टास्क आईडी देनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल टास्क सेंसर। तो ये क्या करेगा, एक्सटर्नल टास्क टू वेट फॉर टास्क टू वेट फॉर कंप्लीशन इन पैरेंट डैग। वो जब कंप्लीट होगा ना, जब कंप्लीट होगा, कंडीशन के हिसाब से नहीं, वो जब कंप्लीट होगा तभी ये आपका टास्क जो है ना, ये आपका टास्क तब एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो डिपेंडेंट डैग ये होगा आपका, तो ये जो आपने टास्क क्रिएट किया है उसके बाद हमने शिफ्ट ऑपरेटर से डिपेंडेंट डैग किया है ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। तो जब आपका पैरेंट डैग आप एग्जीक्यूट करोगे ना, हम लोग कल इसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, मैंने इसीलिए ये स्लीप वाला फंक्शन है ना उसमें डाला है, कि मुझे इतना ही दिखाना है कल कि मैं दोनों डैग साथ में स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आइडियली दूसरा डैग भी शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन पहला टास्क खत्म नहीं हो रहा है 180 सेकेंड्स तक, तब तक वो सेकेंड वाला डैग का जो भी स्टार्टिंग है ना, वो होगा ही नहीं उतने टाइम तक। आई विल डेमोन्स्ट्रेट इट टुमारो, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएंगे एक्सटर्नल टास्क सेंसर क्या कर सकता है, ठीक है। आज हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम लोग कल इसको डेमोन्स्ट्रेट करके देख सकते हैं। आपको समझ में आया क्या, एटलीस्ट व्हाट आर सेंसर्स एंड व्हाट इज एक्सटर्नल टास्क सेंसर, व्हाट इज स्टिकी सेंसर, ये समझ में आई चीजें आपको? एक बार हैंड रेज कर दो, मुझे बस देखना है कि कितने लोगों को समझ में आ रही है चीज। ठीक है, मेरे लोग 71 है, 41 है, बाकी 30 लोग तो ठीक है पहले का ही पढ़ रहे होंगे अभी, पाइथन सिक्वल ये बैकग्राउंड में भी पढ़ ही रहे होंगे। क्या हुआ प्राची, आपको समझ में नहीं आया? प्राची आर यू देयर? हाँ, मनोज आपको भी समझ में नहीं आया क्या? मनोज कब से यस समझ में नहीं आया आपको? सर, नहीं सर, थोड़ा नहीं समझ में आया ना? सा सर एक बार देख लूंगा सर, हो जाएगा। नहीं, क्या नहीं समझ में आया बताओ। मतलब आई नो कि पूरी चीजें क्लास में समझना इतना इजी नहीं है, आई नो दैट, बट क्या नहीं समझ में आया ये बता दो बस, सो आई कैन इम्प्रूव थ्योरेटिकल मोर। पार्ट है सर। क्या थ्योरेटिकल पॉइंट्स नहीं समझ में? यस सर, ओके, पर्टिकुलरली ऐसा कोई चीज जो आपको नहीं समझ में आए, ऐसा कुछ है? आई कैन एक्सप्लेन टू यू अब, ठीक है, कुछ नहीं है ऐसा। नो सर, एक बार देख लूंगा सर, अगर कुछ होता है तो मंडे को अपडेट करूँ। नो मतलब ध्यान नहीं था क्या आपका लेक्चर में? सर, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, दैट इज ओके, अगर ध्यान नहीं था और नहीं समझ में आया तो वो तो ठीक ही है फिर, कैसे थोड़ा समझ में आया? पाइथन ऑपरेटर में कंफ्यूजन था, एक बार चेकआउट कर लूँगा सर। ठीक है, चलो देख लेना, अब भी नहीं समझ में आया तो ठीक है, लेकिन इंटरव्यू में नहीं समझ में आया तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तब तक आप, आपका टाइम है आपके पास, तब तक कवर कर लो एटलीस्ट। यस सर।
हैंड डाउन हो गए सबके। क्यों भाई? चलो ठीक है, चलो चलो, आई थिंक वी शुड एंड इट हियर। ठीक है, आई एम होपिंग कि आप लोग थोड़ी बहुत खुद से भी प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, आपको डमी ऑपरेटर, बैश ऑपरेटर, पाइथन ऑपरेटर पता है, तो यू कैन ट्राई टू क्रिएट अ वर्क फ्लो आउट ऑफ इट। कुछ सोचो कि क्या कर सकते हो कि पाइथन ऑपरेटर से मैं डिपेंडेंसीज, ब्रांच पाइथन भी आपको पता है आज, तो जो भी पता है ना उसके उस चीज उन चीजों को पढ़ो एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट एड एज अ पार्ट ऑफ इट। या फिर अगर खुद को नहीं सूझ रहा है ना तो चैट जीपीटी को बोलो कि यूजिंग दिस ऑपरेटर्स कैन यू हेल्प मी आउट टू क्रिएट वन डैग विच मेक सेंस, ऐसा कुछ बोलो। तो एटलीस्ट आपको ना वो पता चलेगा कि डिपेंडेंसीज कैसे सेट करनी है, व्हाट कैन बी अ लॉजिक, हाउ यू कैन थिंक अबाउट पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्केस्ट्रेशन। तो ये चीजें करो, सिर्फ थियरी और सिर्फ जो डैग क्रिएट करके दिया है उसको एग्जीक्यूट करके नहीं देखना है। ठीक है, आपको अपना खुद खुद तो कुछ तो ट्राई करते रहना है। ठीक है, तो कल तक का टाइम है आपके पास, तो ट्राई करो एटलीस्ट। आई नो कि आपके इंटरव्यूज है अभी, लेकिन आप सिर्फ इंटरव्यू के लिए पढ़ोगे ना आपका एयरफोर्स स्किप हो जाएगा, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। एटलीस्ट आपको कंपार्टमेंटलाइज करना पड़ेगा अपने टाइम को कि मैं एयरफ्लो को 4 से 5 घंटे दूंगा और उसमें ये चीजें कवर कर लूंगा। जब तक सिलेबस होता है तब तक मेरी सारी चीजें कवर हो जानी चाहिए। ऐसे करोगे तो आपका एयरफ्लो कवर होगा। ये कभी क्या होता है पता है क्या, बैच के एंड में जो भी चीजें होती है ना वो सबकी वीक रह जाती है। यू शुड नॉट डू दैट। एयर फ्लो इज नॉट अ थिंग कि जो आप अफोर्ड कर पाओगे वीक रख के। ठीक है, आपको ये तो पता है ना कितने तो भी प्रोफाइल्स है जो सिर्फ एयर फ्लो के लिए भी हायर करते हैं। मुझे जैसे HCL का इंटरव्यू, मेरा मोस्टली एयर फ्लो के लिए, प्रोफाइल के लिए हायर किया था उन्होंने, सिर्फ एयर फ्लो। दे डिड नॉट वॉन्ट एनीथिंग आउट ऑफ इट, मतलब उनको क्लाउड भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एयर फ्लो। ठीक है, तो होता है, एयर फ्लो इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इवेंचुअली हम लोग लर्न करेंगे, लेकिन करो, प्रैक्टिस करो, इम्पोर्टेंस ज्यादा दो इसको, दिन का टाइम निकालो, ज्यादा घंटे पढ़ो, आखिरी टाइम है, 40 दिन तो है, 30-40 दिन दे दो यार खुद के, 12-13 घंटे, बाद में तो ऐसी करनी है, एक बार जॉब पे लग जाओ। ठीक है, चलो बाय गाइस, मिलते हैं कल, नहीं मंडे को मिलते हैं। तब तक आई एम एक्सपेक्टिंग, 2 दिन है आपके पास, तो कुछ ना कुछ तो मुझे करके दिखाओ। आई वॉन्ट दिस ऑन योर ओन। ठीक है, आपका